नमस्कार दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है शिव योगी श्री सिद्धरामेश्वर जी और कुंभार कन्या का विवाह समारोह पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ बोलिए, बोला बोला एकदा भक्तारलिंग शिव योगी श्री सिद्धरामेश्वर महाराज की जय, कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन महाराज की जय। दुसरा दिवस या दिवशी नंदीधोयाचे अक्षता कार्यक्रम असतो। या कार्यक्रमास खास महाराष्ट्रातून व कर्नाटकातून वाद्य मागवण्यात आले आहे। त्यातील एक कर्नाटकातील सुप्रसिद्ध वाद्य म्हणजे त्याला कन्नड मध्ये ढोटा आट म्हणून म्हटलं जातं। ते त्या स्वरूपात म्हणजे आपली जी संस्कृती ती त्या नाट्य स्वरूपात ती मांडली जाते, ती यंदाच्या या जत्रेचं वैशिष्ट्य आहे। तरी मी सर्व सोलापूर व सिद्धेश्वर भक्तांना
मकर संक्रांत शुभेच्छा देतो व त्यांच्या परिवारांचं सुख समृद्धी प्राप्त हो हीच मी त्यांच्या चरणी प्रार्थना करतो। सिद्धेश्वर मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में स्थित है। हर साल जनवरी महीने में मतलब नए साल के पहले महीने का पहला त्योहार होता है मकर संक्रांत। सिद्धरामेश्वर जी के 5 दिनों के उत्सव में से एक दिन है विवाह समारोह का। मकर संक्रांति के दिनों में सिद्धरामेश्वर जी और कुंभार कन्या का विवाह समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्री सिद्धरामेश्वर जी भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति देखकर कुंभार कन्या उनसे प्रभावित हो जाती है और सिद्धरामेश्वर जी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त करती है। लेकिन सिद्धरामेश्वर जी तो ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने कुंभार कन्या को उनके योग दंड से विवाह करने का सुझाव देते हैं और कुंभार कन्या उनके योग दंड से विवाह कर लेती है। तब से लगभग 900 सालों से यह परंपरा चलती आ रही है, इसलिए हर साल जनवरी महीने में गड्डा उत्सव का आयोजन किया जाता है। त्रिनेत्र सूर किरीटमणि प्रचंड कृष्ण समुद्र रुद्र भद्र भद्र बदलेने मा प्रार्थना केली देवादिव गंधर्व गात्रा विठ्ठल विश्वनाथ प्रकृत नला गोविंदपती नित्यम नित्यम दोस्तों, अगर आप सिद्धरामेश्वर जी के भक्त हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो के बारे में कोई सजेशन है तो कमेंट्स कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब